नमस्कार, एनएच वन के सभी श्रोताओं का एनएच वन में स्वागत है। सभी को हर हर महादेव और एनएच वन की पूरी टीम की तरफ से सावन महीने की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आपको बता दें कि आज हम आपको रियासी के एक बहुत ही ऐतिहासिक और पावन स्थान महादेव शिव मंदिर में लेके आए हैं। आप हमारे पीछे सीधी विजुअल देख सकते हैं महादेव शिव मंदिर की। आप सबको पता है कि सावन महीने का आरंभ जो है वो हो चुका है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सावन महीने का महत्व क्या है, सावन महीना जो है वो भोलेनाथ जी को इतना प्रिय क्यों है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आज हम आपको महादेव मंदिर रियासी आप शंभू मंदिर के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है, उनकी आपको हम सीधी विजुअल दिखाएंगे। एनएच वन के साथ जुड़े रहें। अफलाय पुष्पजाश पुष्पनी बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त गंहसः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। उमा महेश्वराभ्याम नमः। मंत्र पुष्पाजलिम समर्पयामि नमः। ये दर्शन है जी महादेव। तो साथियों, हमारी टीम जो है वो महादेव जी के प्रसिद्ध मंदिर जो है उनके अंगना में हमारा प्रवेश हो चुका है। तो सबसे पहले जहाँ पे जो मुख्य पुजारी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सावन महीने का क्या महत्व है। महाराज, सबसे पहले तो आपका एनएच वन में स्वागत है जी। धन्यवाद। और अपना थोड़ा सा परिचय जो है वो हमारे दर्शकों को दे दें थोड़ा सा। मैं महादेव से हूँ जी, मैं यहाँ का मुख्य पुजारी हूँ। तो पूछिए अपना प्रश्न। महाराज, जैसे कि आरंभ जो है वो सावन महीने का हो गया है, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सावन महीने का जो है वो महत्व क्या है। जी जी, ऐसा है कि ये महीना जो सबसे उत्तम महीना माना जाता है भगवान शिव शंकर के प्रति। इस महीने में जो भी आप पुण्य करेंगे उसका 10 गुना मिलता है आपको। तो पुरानी कथा के अनुसार मारकंडू के पुत्र श्री मार्कंडेय ऋषि ने भगवान शिव की आराधना की थी जी जी, लंबी आयु के लिए। तो उन्होंने गौर तपस्या की तो भगवान की कृपा से उनको वो वर मिला। तब जमराज भी उनके सामने नतमस्तक हो गए। और एक पुरानी कथा है कि इस मास में समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में एक हलाहल विष निकला था। उस विष को भगवान शिव शंकर ने अपने कंठ में धारण कर लिया और उनका कंठ बिल्कुल एकदम नीला हो गया। सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने ये किया। तो तब सभी देवी देवताओं ने उन पर जलाभिषेक किया और सृष्टि को बचाया। वो भी यही महीना था, सावन का महीना था जी जी। इसलिए इसका बड़ा महत्व है। तो भगवान शिव शंकर खुद भी जल हैं, जो इनके इस महीने में जल अभिषेक करते हैं ये 1000 गुना उनको फल देते हैं। तो महाराज, अगर बात करें यहाँ पे हम महादेव मंदिर की बात करते हैं, आप शंभू जी जहाँ पे विराजमान है, किस किस्म की जो है वो तैयारियाँ की गई हैं अगर हम बात करें सावन महीने को लेके यहाँ पे? ऐसा है कि जैसे नियम से हर रोज पूजा होती है वैसे ही है। इसमें हम विशेष पूजा करते हैं, विशेष लोगों का आना जाना होता है क्योंकि ये स्वयंभू हैं। ये एक रियासी की बड़ी शान है, ये धरोहर है रियासी की। तो तकरीबन लोग यहाँ आते हैं। तो हम तो वैसे भी नियमानुसार रुद्राभिषेक करते हैं यहाँ, और विधि अनुसार षोडशोपचार से यहाँ पूजा होती है प्रतिदिन जब से ये श्राइन बोर्ड ने लिया है जी जी। तो बड़ी विधि विधान से होती है। और विशेषकर ये लोगों के लिए बड़ा विशेष महीना होता है कि जो भगवान के यहाँ आके जल चढ़ाते हैं, भगवान उनको 1000 गुना ज़्यादा फल देते हैं। तो इसलिए इसका विशेष महत्व है भगवान शिव शंकर का जी जी। महाराज, आप क्या संदेश देना चाहते हैं एनएच वन के माध्यम से, क्योंकि अगर हम बात करें सावन के महीने में लोग किस किस्म से जो है वो अपने घरों में भी पूजा अनुष्ठान वगैरह वो करें? हम कहते हैं कि लोग इस महीने में अगर इसमें 4 सोमवार आते हैं उनका व्रत करें। इस महीने का व्रत किया हुआ उसका भी 10 गुना ज़्यादा ही मिलता है। तो विशेषकर
कोई भी बच्चा हो घर में भी पूजा करे लेकिन मंदिर में जरूर जाए। मंदिर की जो मूर्ति होती है वो प्रतिष्ठित होती है, घर की जो मूर्ति होती है वो प्रतिष्ठा उसके में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। तो विशेषकर अपने बच्चों को भी खुद भी मंदिर में जाएं और जलाभिषेक करें और भगवान शिव शंकर प्रसन्न हो जाएंगे और मनवांछित फल देंगे। और वैसे भी इस महीने में ये भूलोक में आते हैं और लोगों का कल्याण करते हैं क्योंकि भूलोक में इनका ससुराल है, तो जैसे ही इस महीने आते हैं तो लोग गदगद हो जाते हैं और इनका विशेष महत्व होता है। धन्यवाद। तो जेथे महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी, आज हमने इनसे जानने की कोशिश की है कि आखिर सावन महीने का जो है महत्व क्या है। तो आपने भी इनसे सुना कि सावन महीना जो है वो भोलेनाथ जी को इतना प्रिय क्यों है। तो आइए कुछ और भी जहां की हम आपको विजुअल दिखाते हैं। सबसे पहले तो हमने आपको इस मंदिर की विजुअल दिखाई है और जहां पे जो मुख्य पुजारी हैं उनसे भी हमने जानने की कोशिश की है कि आखिर ये जो सावन महीना है इसका महत्व क्या है। यहाँ के स्थानीय भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप इस मंदिर के बारे में कितना जानते हैं। सबसे पहले तो आपका NH1 में स्वागत है और अपना परिचय दें आप। मेरा नाम है इंद्रभूषण शर्मा, मैं इधर वार्ड नंबर 9 का ही रहने वाला हूँ। और आज थोड़ा सा हमें आप ये बताएं कि इस मंदिर की हिस्ट्री क्या है, यहाँ पे कैसे ये आप शंभू मंदिर का यहाँ पे निर्माण होता है, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक हमें बताएं। इधर खेती होते थे, भांग के पौधे थे, माड़ी से गायें आती थी तो वो इधर आके दूध इधर दे जाती थी, शिवलिंग के ऊपर आके चला जाता जी। उनके जो माड़ी के रहने वाले जिनकी गायें थी तो वो उनको मतलब के ताले लगा के अंदर रखती थी भाई ये दूध कौन ले जाता है इनका, तो वो चुपके से इधर आती थी शाम को, वो करके सांप निकले होते थे वो शिवलिंग के ऊपर दूध चला के चली जाती थी। फिर इधर बैसाखी के टाइम इधर मेला लगता था जैसे बुजुर्ग लोग कहते हैं जी जी। तो फिर जो इधर राजा महाराजाओं का टाइम था तो उस वक्त जे राजपूत लाभी जो जोरावर सिंह के वो जो कुंभे के लोग थे वो इधर बोलने लगे कि ये मेला जो है इधर नहीं लगेगा बीजपुर में लगेगा जी जी। तो वो बैसाखी वाले दिन क्या किया कि इन्होंने इधर से भाई उधर लगेगा जाके, तो बाकी वालों ने जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने इनको मना भी किया कि भाई ये ऐसा काम नहीं करो, इधर बैसाखी का मेला काफ़ी देर से लगता आया है पुराना तो इधर ही लगता रहेगा। उन्होंने जब नहीं माना ले गए तो इतनी देर क्या हुआ कि जो मेला मतलब कि उनमें से भी कुछ लोग थे वो बोलते थे जे इधर से नहीं उठा के ले जाना जी जी जी। फिर क्या किया इन्होंने कि जब मेला ले गए उधर से तो उधर क्या हुआ कि इधर जो दरार पर ये जो लिंग है जो दरार पड़ गई इधर से खून बहना चालू हो गया जी जी। तो जो जबरदस्ती करके लेके गए थे उनको मतलब के आगे पीछे सांप ही सांप मतलब के दिखें, फिर जब मंजे पे बैठे जब कुछ सांप ही सांप दिखें उधर से उनको दिखना बंद हो गया जी जी। उसके बाद फिर वो जो उनके बुजुर्ग लोग थे फिर उन्होंने दोबारा इधर माफ़ी मांगी आके फिर दोबारा मेले का इधर दोबारा उद्घाटन जी जी बिल्कुल। जेथी इस मंदिर की हिस्ट्री की आखिर यहाँ पे ये जो प्राचीन क्या इस मंदिर के साथ कौन सी कहानी जो है वो जुड़ी हुई है, और अगर इस मंदिर की बात करते हैं तो इसका निर्माण जो है मंदिर का निर्माण किसने करवाया है इसका? ये पहले तो लोकल बॉडी ही करते थे, फिर श्राइन बोर्ड वालों ने जो अपने जो NN बोरा साहब थे वो आते थे इधर सोमवार के दिन महीने में कभी दो महीने के बाद जैसे ही टाइम लगता था, तो फिर उन्होंने श्राइन बोर्ड वालों ने पहले PWD वालों ने करवाया फिर ये श्राइन बोर्ड के अंडर आया उसके बाद इसकी जो डेकोरेशन ये सब हुआ। धन्यवाद। तो जेथे हमारे साथ रियासी के ही स्थानीय, इनसे हमने जानने की कोशिश की है कि आखिर इस मंदिर का निर्माण जहाँ पे कैसे होता है, तो बहुत ही मनमोहक इस मंदिर का दृश्य है और पूरे रियासी जिले के ही लोगों की कह सकते हैं कि आस्था का ये जो मंदिर है जे केंद्र है बिल्कुल आप देख सकते हैं। जहाँ पे हम आपको जो है वो सीधी विजुअल दिखा रहे हैं, काफ़ी बड़ा इसका क्षेत्र भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा, और देख सकते हैं कि रियासी शहर से ही जहाँ पे जितने भी श्रद्धालु हैं जहाँ पे पहुँचते हैं। कैमरामैन दीप सिंह के साथ मैं प्रदीप शर्मा,
NH1 रियासी महादेव मंदिर आप शंभू।